शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं चलिए दोस्तों बिंदु सर का ये पाँचवा वीडियो है क्षमा चाहता हूं यानी लगा लगातार हम वीडियो दे रहे थे लेकिन बीच में दो दिन आपको बीच हो गया कारण कुछ कारण था किसी घटना कोई घटना घट गया था हमारे साथ तो इसलिए जो है हम दो दिन से वीडियो नहीं दे रहे थे आज फिर जो है हम लगातार उस सीरीज को जारी रखेंगे तो देखिएगा ये चौथा वीडियो है पचास प्रश्नों का ये सेट है देखिएगा प्रश्न जो है पसंद आएंगे क्वेश्चन तो आप जरूर शेयर करेंगे लाइक करेंगे और ये जो है दरोगा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल हम प्रतिदिन स्टार्ट किए हैं ये जो है सेट जो है अपलोड होती है वीडियो जो अपलोड होती है वो रात रात में सात से आठ के बीच में ये वीडियो हमारा आप तक पहुंचता है तो देखिएगा ये जो है मुख्य रूप से दरोगा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से तो निम्नलिखित में से कौन कौन एक लक्षण खुली अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है तो ये जो है सकल घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय का बराबर होना ये जो है नहीं पाई जाती है ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है अगला क्वेश्चन है ल केल्डार समृद्धि केलडार समृद्धि के, नियम का संबंध है तो ये किससे संबंध है तो देखिएगा औद्योगिक विकास उत्पादकता तथा जीडीपी में होने वाले वृद्धि के बीच संबंध से ऑप्शन ए जो है सही आंसर है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भंडारण ठीक है अगला क्वेश्चन है यानी कि पीपीपी मॉडल से विकास मॉडल से विकास में उत्पन्न कठिनाइयों तथा असफलताओं की समीक्षा करने हेतु भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की थी तो इसका आंसर है विजय किलकर यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है अगला देखिएगा पाँच नंबर जब जनसंख्या की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के संभावित वृद्धि दर से अधिक हो जाए तो प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आने लगती है इसे क्या कहते हैं तो जनसंख्या जाल कहते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है घिसावट व्यय किसमें शामिल होता है घिसावट व्यय जो है किसमें शामिल होता है तो इसका आंसर जो है ए सही होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है आय वृद्धि से राष्ट्रीय आय आय विधि सॉरी आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए तो इसका आंसर है आपका इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है अगला देखिएगा भारत में सर्वप्रथम किस वित्त वर्ष में कृषि गणना की गई थी तो कृषि गणना जो है 1970 सौ में की गई थी ऑप्शन सी सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबा कल्याणी समिति का संबंध किससे है तो ये जो है आपका सेज से है किससे है सेज से चलिए आगे बढ़ते हैं दस नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा दस नंबर क्वेश्चन है क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय तृतीय क्रियाकलाप है तृतीय क्रियाकलाप है तो देखिएगा ये जो है इसका आंसर जो होगा विपणन होगा अगला क्वेश्चन है कि बीपीएल परिवारों में सर्वाधिक गरीबों की सस्ते दर पर यानी सर्वाधिक जो गरीब होते हैं उनको सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने हेतु अंत्योदय योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी तो इसका आंसर जो है होगा 2000 2000 हज़ार ईस्वी में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन एक कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना ठीक है अगला बाकी सब सही है अगला है मुद्रास्फीति का कारण है तो देखिएगा मुद्रास्फीति का कारण जो है सभी कारण है यानी कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ना मुद्रा का मूल्य गिरना या फिर मुद्रा की आपूर्ति मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि ये सभी जो है मुद्रास्फीति का कारण है अगला क्वेश्चन देखिएगा जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नगदी अनुपात यानी एस एल आर की पचास आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है तो इसका आंसर जो है आपका सी सही होगा यानी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं अगला क्वेश्चन है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1990 ठीक है अगला क्वेश्चन है नगर निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो लगाया जाता है तो यह लगाया जाता है कंपनियों के लाभ पर ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है तो प्रत्यक्ष कर जो है संपदा कर है अगला क्वेश्चन देखिएगा अठारह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसकी आपूर्ति सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से पूरा किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो उसे जो है मौद्रिकृत घाटा कहते हैं अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिलाओं को निःशुल्क एल कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी तो ये 2016 में हुई थी अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्राम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उसकी संख्या है तो सौ दिन है अगला देखिएगा अवसर लागत का अर्थ होता है अवसर लागत का अर्थ होता है तो वैकल्पिक प्रयोग की लागत अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मोटे अनाज का मांग वक्र है तो ये बाई और मांग का वक्र क्या होगा तो बाई और खिसकता है अगला क्वेश्चन है वस्तु की मांग है विलासिता वस्तुओं की मांग है तो ये जो है मांग अत्यधिक लोचदार होती है अगला क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण होता है एक अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण होता है तो बचत द्वारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भुगतान शेष के पूंजी खाते की मुख्य मदे कौन सी है तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी यानी कि सभी अगला है नाटो संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो कह रहा है क्या फिर आपका देखते हैं तीन गो है कूट का दिया हुआ है देख लेते हैं देख लीजिएगा हाँ सही में कूट दिया हुआ है और कह रहा है कौन सही है तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है नाटो इसका गठन जो है उन्नीस में ब्रिटेन अमेरिका और कनाडा और फ्रांस सहित बारह देशों द्वारा किया गया था तो सही बात है फिर अगला कह रहा है क्या कि नाटो एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य संगठन है तो सही बात है वर्तमान में नाटो में उनतीस सदस्य देश है तो ये गलत बात है यानी कि एक और दो सही है उनतीस नहीं ये बल्कि तीस देश अभी वर्तमान में शामिल है तो एक और दो सही है आपका तो ध्यान दीजिएगा एक दो जो है आपका कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में है ठीक है अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में समाचार समाचारों में चर्चित रही खुबस गुल झील के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन जो है असत्य नहीं है यानी कि असत्य नहीं है इसका मतलब कह रहा है कौन इस सत्य है ठीक है तो देखिएगा कह रहा है यह झील रूसी सीमा के पास उत्तरी मंगोलियाई प्रांत में स्थित है सही बात है हाल ही में इसे हाल ही में इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है तो सही बात है यानी कि दोनों जो है आपका सही है सत्य नहीं है दोनों अगला क्वेश्चन कह रहा है अट्ठाईस नंबर पंद्रहवा संविधान संशोधन अधिनियम दो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन एक सही है यानी कि इनमें से जो है ये चार ऑप्शन है ना इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है और वो आपको क्लियर करना है तो इसका आंसर जो है आपका बी सही है इसके माध्यम से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्य की शक्ति को संरचित किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं हर घर दस्तक तक अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन असत्य नहीं है यानी कि कौन जो है आपका सत्य कह रहा है ठीक है तो देखिए यह सभी पात्रों पात्र आयु समूहों में कोविड नाइन्टीन टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है तो सही बात है अगला कह रहा है इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया तो ये भी सही बात है इसे 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक लागू किया गया यानी कि इसमें से सभी सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर अगला जो है तीस नंबर है क्या कहता है अग्निपथ योजना क्या है इसके संदर्भ में कथनों निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन जो है असत्य है यानी कि इनमें से जो है कौन गलत है ये आपको ध्यान देना है तो देखिए गलत चुनने का रहा तो सेना के तीनों अंगों में भर्ती की एक योजना है तो सही बात है अगला है प्रथम वर्ष का वेतन पैकेज चार दशमलव सात छः लाख होगा तो ये भी सही बात है अगला जो है गैर अंशदायी यानी कि चार दशमलव सात छः लाख का बीमा कवर तो ये भी आपका सही है हमको छाटने क्या कह रहा है असत्य तो देखिए इसमें से कोई असत्य नहीं है यानी कि सब जो है आपका सत्य है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है नीचे दिए गए युद्धाभ्यास और संबंधित देशों के युग्मों में से कौन सा युग में जो है सही नहीं तो सही नहीं के हटा देना है ठीक है ये सही पूछ रहा है सही कौन है देखिए ऑप्शन में आपको दिख जाएगा पासेक्स ये जो है गलत है भारत फ्रांस गलत बात है कारपेट जो है ये बिल्कुल सही है भारत और इंडोनेशिया अगला जो है आपका देखिए काजिंद है तो ये भी भारत और यू नहीं है भारत और कजाकिस्तान है और सिलीनेक्स बोल रहा है तो ये भारत और श्रीलंका है तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा यहाँ टाइपिंग मिस टाइपिंग हो गया है तो ध्यान दीजिएगा ये जो है कॉरपोरेट जो है भारत इंडोनेशिया ये सही है बिल्कुल ऑप्शन बिहार इसका सही आंसर है लेकिन यहां जो है नहीं को हटा देना है ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है बत्तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट जारी करता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष आठ जून को मनाया जाने वाला विश्व महासागर दिवस 2022 की थीम क्या थी तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा पुनरोद्वार यानी महासागरों के लिए सामूहिक कार्यवाही ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा अगला देखिएगा चौंतीस नंबर क्वेश्चन हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा रुचिका कम्बोज अगला क्वेश्चन है आई टू यू टू समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कौन जो है आपका असत्य है यानी कि गलत कौन है यही आपको इसमें चुनना है क्वेश्चन नंबर पैंतीस में तो ध्यान देंगे यहाँ जो है आपका गलत जो है आपका भारत ऑस्ट्रेलिया जापान इजराइल ये सदस्य नहीं है देखिए न्यू क्वाड या पश्चिम क्वाड क्वाड में वो होता है कौन कौन भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और इजराइल की जगह पे जो है आ, आपका अमेरिका होता है यानी यूएसए ठीक है इस बात को ध्यान रखना है चलिए यही जो है गलत है आगे बढ़ते हैं आगे देखिएगा छत्तीस नंबर छत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है द दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है तो इसका आंसर जो हो जाएगा छत्तीस नंबर ये महाराष्ट्र में मान्यता दी गई है अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस राज्य में अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के पांचवें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है तो ये जो है आपका तमिलनाडु अगला आंसर क्वेश्चन है कि भारत की प, पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा किस शहर में किया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में ठीक है अगला जो है हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में आ, कौन नियुक्त हुए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा समीर वी कामत समीर वी कामत ठीक है ऑप्शन सी आंसर है अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है आपका चालीस नंबर क्या कह रहा है हाल ही में देश ने हाल ही में मतलब किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी अगला जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में किसे आगामी तीन वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई गई लिखा गया है नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो इसका आंसर है श्वेता सिंह अगला क्वेश्चन है बयालीस नंबर हाल ही में अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य के का पुरस्कार किसे दिया गया तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ष दो जार की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को एक स्थान मिला है अगला क्वेश्चन है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है ठीक है आगे देखिएगा पैंतालीस नंबर क्वेश्चन विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया तो ये चीन में किया गया कहाँ गया किया गया चीन में अगला क्वेश्चन है छियालीस नंबर कि हाल ही में किस किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्यौहार मनाया साओ जो आओ त्यौहार मनाया तो ये गोवा के अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया तो ये जो है आपका दीनकर गुप्ता को अगला क्वेश्चन है किस देश में 48वां जी सेवन सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया तो ये जो है आपका जर्मनी में किया गया कहाँ किया गया जर्मनी में अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय एम एस पुरस्कार दो में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये उड़ीसा को सम्मानित किया गया अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त मतलब अधिकारी नियुक्त मतलब कौन बने हैं ठीक है नियुक्त किए गए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर तो चलिए दोस्तों ये पचास क्वेश्चन का सेट था हमें उम्मीद है कि ये सेट पर पस, आपको पसंद आया होगा तो अगर पसंद आया है तो बने रहिए हमारे साथ तो चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के शेयर कीजिए तो आज भर इतना ही जय हिंद जय भारत मातरम